वेलकम टू ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स। ऑनलाइन एग्जाम वॉरियर्स में मैं प्रवीण प्रभाकर आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूँ। डेली बेसिस पर रेलवे स्टैटिक जीके प्रैक्टिस सेट चलाया जा रहा है, उसमें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेट नंबर 81 to 90। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। इससे पहले जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर ज़रूर करें। तो चलिए हम शुरू करते हैं सेट नंबर 81 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। तो देखेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो इसमें सुमेलित कौन सा नहीं है जो सही मैच नहीं कर रहा हो, इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्न युग्म में कौन सा सुमेलित नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा क्वेश्चन नंबर सेकेंड का आंसर हो जाएगा आपको DMRC दिल्ली मुंबई रोड डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, विजयनगर के गौरव के भग्नावशेष और इसकी वास्तुशैली के ऐतिहासिक महत्व का स्थान कब और कहाँ देखा जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 का D तंजौर। नेक्स्ट देखेंगे, सॉरी 3 का आपको हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मस्तिष्क कौन सा है। तो कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है, आपको क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा CPU। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, हाथी मैराथन निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित होता है। तो हाथी मैराथन होता है कहाँ पर, त्रिचूर में, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कंप्यूटर में अशुद्धियों को क्या कहा जाता है। तो कंप्यूटर में अशुद्धियों को कहा जाता है क्या, बग। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, पहली भारतीय महिला जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्ष बनी थी। तो पहली भारतीय महिला कौन हो जाएगी, सरोजनी नायडू। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या के अनुसार राज्यों के सही क्रम को पहचाने। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सर्वाधिक जनसंख्या वाला स्टेट सबसे पहले आपका हो जाएगा बी, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, FTP शब्द किसके लिए है। तो FTP का आंसर आपको हो जाएगा क्या, FTP शब्द फाइल ट्रांजिट प्रोटोकॉल डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सुंगलू समिति जिसने 2011 में रिपोर्ट प्रस्तुत की किससे संबंधित है। सुंगलू समिति किससे संबंधित है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, राष्ट्रमंडल खेलों का घोटाला से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, वन्य जीव अधिनियम 1972 के अधीन किस जीव का संरक्षण किया जाता है। 1972 में के दिन किस जीव का किया जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, शाही। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, गुजरात के मेहसाना जिला में स्थित बहुचरा माता का मंदिर प्रसिद्ध है। किस लिए बहुचरा माता का मंदिर प्रसिद्ध है, ये आपका हो जाएगा डी, हिजरा समुदाय के संरक्षण हेतु। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें उत्कृष्ट उपलब्धि के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, पर्यावरण प्रतिरक्षण के लिए भूमंडलीय 500 पुरस्कार दिए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा की मूर्तियों का एक संग्रह किस देश के पहले सम्राट की सेनाओं को दर्शाता है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, टेराकोटा आर्मी टेराकोटा, ये हो जाएगा आपको चीन ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किस राज्य सरकार ने जरूरतमंद लोगों के लिए अनंदम कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, अनंदम कार्यक्रम मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18, भारत की राष्ट्रीय प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे। तो प्रतिज्ञा के रचयिता कौन थे, सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, ICT किसका संक्षिप्त रूप है। ICT आपको हो गया इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, कुचिपुरी नृत्य शैली का प्रारंभ भारत किस भाग से हुआ। कुचिपुरी का कि कहाँ से हुआ, आपका आंध्र प्रदेश से। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 82, सेट नंबर 82 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखेंगे, सनी डेज नामक पुस्तक लिखी है। सनी डेज नामक पुस्तक किसने लिखी है, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, सुनील गावस्कर, सनी डेज।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर सेकंड। यूनानी रोमन कला को निम्नलिखित में से कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? तो यूनानी रोमन कला को कहाँ स्थान प्राप्त हुआ है? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा आपको यूनानी रोमन यूनानी कला गांधार। इसका आंसर आपको हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड। निम्न में से कौन से द्वीप द्वीप समूह दक्षिण चीन सागर में स्थित है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको दक्षिण चीन सागर में, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, मतलब स्पार्टलिटी और पार्सल, ये दोनों आपका आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर। ऑक्टोपस पॉल किस खेल के लिए चर्चित हुआ? ऑक्टोपस पॉल आपको हो जाएगा फुटबॉल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव। कंप्यूटर डॉट डॉट के बिना काम नहीं कर सकते, कंप्यूटर किसके बिना काम नहीं कर सकते? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, सीपीयू के बिना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स। निम्न में से कौन सम्मिलित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको क्वेश्चन नंबर सिक्स का, इसका आंसर हो जाएगा यूएसए, इसवल जापान, जूडो, भारत, हॉकी, पाकिस्तानों की, मतलब इसका आंसर हो जाएगा डी, सभी का सभी सही है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सात। निम्नलिखित में से वो स्थान कौन सा है जिसे यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में अभी तक मान्यता नहीं दी गई है? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, राजगृह, जो बिहार में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर एट। निम्न में से कौन नाभिकीय शक्ति संपन्न है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, नाभिकीय शक्ति संपन्न, INS चक्र, आठ का बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर नाइन। एक ऊंची जाति के पुरुष का एक नीची जाति की स्त्री से विवाह कहलाता है, क्या कहलाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा अनुलोम विवाह, बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर टेन। निम्नलिखित में से दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान कौन सा होता है? दूसरा उच्च भारतीय नागरिक सम्मान होता है आपको पद्म विभूषण। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। मध्य रेंज के मौसम पूर्वानुमान के लिए भारत द्वारा सबसे पहले कौन सा सुपर कंप्यूटर खरीदा गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपको, क्रे एस एक्स MP14। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में से कौन सा देश युग्म अरल सागर के किनारे है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, ए। नेक्स्ट केपांस क्या है? तो केपांस क्या हो जाएगा आपको, बधिया किया हुआ चूजा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। निम्न युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो इसका हो जाएगा बुलंद दरवाजा, फतेह फतेहपुर सिकरी, शेरशाह का मकबरा सासाराम में है, सिख, ये आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्न में से किस कौन सा पहला हैबिटेट मुक्केबाज है जो अपने सारे जीवन काल में कभी परास्त नहीं हुआ? तो इसका क्या हो जाएगा आंसर आपको, ए, रॉकी मार्सियनो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। निम्नलिखित प्रधानमंत्रियों में से कौन भारत की आज़ादी के बाद पैदा हुआ था? इसका आंसर आपको हो जाएगा, भारत की आज़ादी के बाद पैदा होने वाला, ये नरेंद्र मोदी, डी। आप देखेंगे श्रीलंका को किस वर्ष डोमिनियन ऑफ सिलोन के रूप में स्वतंत्रता प्रदान की गई? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1948 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा शहर वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर है? तो वास्तुकला की दृष्टि से नियोजित शहर आपको हो जाएगा डी, चंडीगढ़। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम क्या था? तो भारत पाकिस्तान कारगिल युद्ध का कोड नाम आपको क्या हो जाएगा, ऑपरेशन विजय। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। आईपीसी का पूरा नाम क्या है? आईपीसी का आपको हो गया इंडियन पैनल कोड, मतलब भारतीय पैनल कोड, सी। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 83 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। कौन सा देश सबसे अधिक टिम्बर पैदा करता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा पी, ब्राजील। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अल्पसंख्यकों के लिए राष्ट्रीय आयोग किस वर्ष में बनाया गया? अल्पसंख्यक के लिए राष्ट्रीय आयोग ये आपको हो जाएगा 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र वालों को दिया जाता है? ज्ञानपीठ पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? वो साहित्य के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। बहुत चर्चित पशुपालन घोटाला निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित था? तो ये कहाँ से आपको हो जाएगा, बिहार से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में से किसको क्रिकेट में चाइना मैन कहते हैं? तो क्रिकेट में चाइना मैन किसको कहते हैं? बाएं हाथ के धीमे गेंदबाज द्वारा फेंकी गई ऑफ ब्रेक बॉल को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, केंद्रीय
प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड किस मंत्रालय के अंदर आता है? तो केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड आपको आ जाएगा पर्यावरण और वन विभाग के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से किस राजनेता को अपने जीवन काल में भारत रत्न प्राप्त हुआ? इसका आंसर आपको हो जाएगा मोरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, भारत निम्नलिखित में से किसका सदस्य है? तो भारत किसका सदस्य है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सार्क का सदस्य है, दक्षिण एशियाई मुक्त व्यापार समझौता का सदस्य है, और विश्व व्यापार संगठन का, मतलब तीनों हो जाएगा 2, 3, 4। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित में से कौन कंपनी एक महारत्न कंपनी है? इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा BHEL। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, सिल्वर कार्प किसकी किस्म है? तो सिल्वर कार्प किस में होती है? आपको मछली में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, सुमेलित कीजिए। तो आपको सुमेलित करना है क्वेश्चन नंबर 12। इसका आंसर आपको हो जाएगा यूनिसेफ का हो जाएगा न्यूयॉर्क, उसके बाद IFAD का हो जाएगा आपको रोम। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन, CTBT का आपको हो जाएगा वियना, IOBP का बर्न। तो इसका आंसर आपको क्या लग जाएगा ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, यूटोपिया किसकी रचना है? यूटोपिया किसकी रचना है? आपका आंसर हो जाएगा थॉमस मूर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, एजटेक ईगल अवार्ड किस देश का सर्वोच्च सम्मान है? इसका आंसर क्या हो जाएगा मैक्सिको का, एजटेक ईगल अवार्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किस खिलाड़ी का नाम किसी प्रसिद्ध खेलकूद ट्रॉफी से जुड़ा हुआ है? इसका आंसर आपको हो जाएगा Donald W. Davis D। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, मीराकालिनी साराभाई किस कला से जुड़ी हुई थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा भरतनाट्यम। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, GSLV का पूरा नाम क्या है? तो GSLV का जियोसिक्रॉन सेटेलाइट लॉन्च व्हीकल, आपका हो जाएगा आंसर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, किस अभिनेता की आत्मकथा का नाम खुल्लम खुल्ला है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका ऋषि कपूर डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन भारत से सम्मानित नहीं है? तो इसमें कौन हो जाएगा भारत से सम्मानित नहीं है? इसमें हो जाएगा AR रहमान। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया हॉल किस भारतीय शहर में स्थित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको यूनेस्को का वैश्विक विरासत स्थल विक्टोरिया, इसका हो जाएगा सी कोलकाता। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 84 का क्वेश्चन नंबर हो जाएगा आपको फर्स्ट, भारत निर्माण योजना संबंधित है, भारत निर्माण योजना किससे संबंधित है? तो ये ग्रामीण ढांचागत विकास से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, निम्न में से कौन सा सुमेल असत्य है? तो इसमें क्या हो जाएगा आपको, इसमें हो जाएगा डी इंटीग्रल कोच फैक्ट्री इंजीनियर कोच। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, हैदराबाद अपने संग्रहालय के लिए प्रसिद्ध है, उस संग्रहालय का क्या नाम है? हैदराबाद में कौन सा संग्रहालय प्रसिद्ध है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सारालगंज संग्रहालय डी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे, कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है? कोणार्क सम्मान कौन प्रदान करता है? ये ओडिशा सरकार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर, पुरस्कार जीतने वाली फिल्म तारे जमीन पर का निर्देशक निम्न में से किसने किया था निर्देशन? तो तारे जमीन पर का निर्देशन किसने किया था? तो इसका आंसर हो जाएगा आमिर खान। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, निम्नांकित में से किसका सुमेल नहीं है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, इंदिरा चक्रवर्ती, ओडिसी नेतांगना। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा स्थान या स्मारक यूनेस्को की विश्व सांस्कृतिक विरासत की सूची में शामिल है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको, बेल्हा गोवा में चर्च और कैथीड्रल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, भारत में वीरता के प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार है, वीरता के लिए प्रथम 2 सर्वोच्च पुरस्कार परमवीर चक्र और अशोक चक्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा माइकल मधुसूदन दत्त, यह हो जाएगा प्रख्यात कवि नंदलाल बोस, यह हो जाएगा चित्रकलाविद
और लच्छू महाराज हो जाएगा आपको प्रख्यात कथक, और पंकज मलिक प्रख्यात संगीतज्ञ। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 10। नायडू ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? शतरंज। सी। नायडू ट्रॉफी शतरंज से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। 2012 के संसदीय चुनाव में म्यांमार में आंग सान सू की नेतृत्व में किस पार्टी को उल्लेखनीय विजय मिली? तो इसमें क्या हो जाएगा? नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से किसे उद्यान कहा जाता है परंतु वास्तव में उद्यान नहीं है? तो ये आपका क्या हो जाएगा? कोलकाता का ईडन गार्डन उद्यान कहा जाता है बट उद्यान है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। मात्र 16 वर्ष की आयु में किस नृत्यांगना को गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर ने कथक सम्राज्ञी कहकर गौरवान्वित किया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा? सितारा देवी। ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। भारत में पहली बोलती फिल्म थी, भारत की पहली बोलती फिल्म कौन है? आलम आरा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। एक संस्कृति की मान्यताओं मूल्यों तथा प्रथाओं से संबंधित सिद्धांतों को उस संस्कृति के दृष्टिकोण से क्या कहा जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सांस्कृतिक सापेक्षवाद। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट कब पारित किया गया? तो अमेरिका में नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट हुआ आपको पारित 1958। ए हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। इंदिरा गांधी अ लाइफ इन नेचर पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको डी हो जाएगा, जयराम नरेश। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में महत्वपूर्ण सार्वजनिक उपलब्धि के लिए दिया जाता है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? इसका आंसर हो जाएगा ए, फिल्म। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। 4 साल के लिए निरंतर शानदार और उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए राष्ट्रीय खेल पुरस्कार है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सॉरी 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 एक क्वेश्चन गलत आपको मरवा दिए हैं। 20 का आपको हो जाएगा, लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपको कितना? लास्ट हो जाएगा 20 के। 4 साल के निरंतर प्रयास के लिए आपको हो जाएगा बी, खेल रत्न दिया जाता है। अच्छा, उसके बाद देखेंगे सेट नंबर 85 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। भारत में विश्व की पशुधन संख्या का लगभग कितना भाग पाया जाता है? भारत में विश्व के पशुधन का संख्या लगभग कितना पाया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1/5। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड। स्कूलों में निम्न नामों से कौन सा जवाहरलाल नेहरू के साथ जुड़ा हुआ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? नवोदय स्कूल, पंडित जवाहर नवोदय स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। ठुमरी गायिका गिरिजा देवी संबंधित है? ठुमरी गायिका गिरिजा देवी किससे संबंधित है? गिरिजा देवी बनारस राजघराने से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतेंदु हरिश्चंद्र पुरस्कार किस क्षेत्र में योगदान के लिए दिए जाते हैं? इसका आंसर आपको हो जाएगा हिंदी में जन संचार माध्यम की पुस्तकों पर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5 सुमेलित कीजिए। इसका आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर आपको हो जाएगा ए, इंद्र प्रसाद पटेल। उसके बाद आइजैक सर न्यूटन, ये हो गए। एडगर एपेन अमेरिकी कवि और लेखक। ओटो हॉर्न जर्मन वैज्ञानिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। नेमसेक पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा, नेमसेक पुस्तक के लेखक झुम्पा लाहिरी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। संकेत अक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? तो NHRC का नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन, डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। निम्न युगों में से सुमेलित नहीं है, कौन सा सुमेलित नहीं है? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। शतरंज का खेल शुरू हुआ कहाँ से? शुरू हुआ शतरंज का खेल, इसका आंसर आ जाएगा आपको ए, भारत से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित को भारत प्रदान किए जाने का सही क्रम चुनिए। तो भारत ने किसको सही क्रम में चुनिए? इसका आंसर आपको हो जाएगा, इन चारों में सबसे पहले मिला APJ अब्दुल कलाम साहब, उसके बाद सॉरी इसका आंसर आपको हो जाएगा हाँ अब्दुल कलाम, उसके बाद आपको हो जाएगा MS सुब्बा लक्ष्मी, उसके बाद
उसके बाद आपको हो जाएगा प्रोफेसर अमर्त्य सेन, और उसके बाद लास्ट में लता मंगेशकर, दीनानाथ लता मंगेशकर। इसका आंसर क्या आप मार देंगे? बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। राजस्थान में शरीर पर चित्र गुदवाने की प्रथा प्रचलित है, एक जनजाति में यह प्रथा अधिक लोकप्रिय है, वह कौन सा जनजाति है? तो चित्र गुदवाने की किसमें है? आपको हो जाएगा भील। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। जवाहरलाल नेहरू अवार्ड से सम्मानित किया जाता है, सम्मानित प्रथम व्यक्ति कौन है? तो यू थॉट। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व बैंक का मुख्यालय, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ हो जाएगा आपको? वाशिंगटन डीसी में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। उच्च आकांक्षा अनुसंधान प्रयोगशाला स्थित है, उच्च आकांक्षा अनुसंधान कहाँ है? गुलमर्ग सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य छत्तीसगढ़ के उत्तर में, छत्तीसगढ़ के उत्तर में कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़ के उत्तर में है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। ओलंपिक में बैडमिंटन पदक जीतने वाला पहला भारतीय कौन है? ओलंपिक में बैडमिंटन, ये साइना नेहवाल। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। ISRO का पूरा नाम क्या है? ISRO का पूरा नाम हो गया भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संस्थान। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18। मुंबई के स्लम में रहने वाला 14 वर्षीय युवा क्रिकेटर अरविंद अडिगा की 2017 की पुस्तक की पहचान करें, अरविंद अडिगा की 2017 में कौन सी पुस्तक आई? इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, सिलेक्शन डे। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 19। 1962 में स्थापित डॉक्टर बी सी रॉय पुस्तक पुरस्कार मुख्य रूप में किस क्षेत्र में सफलता प्रदान करने वाले प्रख्यात भारत व्यक्तियों को दिया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा चिकित्सा के क्षेत्र में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। मुंबई में परमाणु संरक्षण ऊर्जा संस्थान का पुनः नामकरण किस भारतीय परमाणु भौतिकवाद के सम्मान में किया गया था? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? होमी जहांगीर भाभा। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 86 का क्वेश्चन नंबर 1। बुकर पुरस्कार जीतने वाले उपन्यास व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? व्हाइट टाइगर का लेखक कौन है? इसका आंसर हो जाएगा अरविंद अडिगा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20। US हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स में सीनेटर के रूप में प्रवेश करने वाला पहला हिंदू अमेरिकन कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा तुलसी गबार्ड। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ऑस्कर पुरस्कार समारोह में दी जाने वाली प्रतिमा का नाम एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट है, सेकंड इसके मूर्तिकार जॉर्ज स्टैनली है। इसका आंसर आपको हो जाएगा 3 का C दोनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। सम्मिलित कीजिए, इसका आंसर आपको हो जाएगा ए। समाचार पत्र और देश का नाम, अलमुंडो का है स्पेन, गार्जियन का है ग्रेट ब्रिटेन, डॉन है पाकिस्तान का, और डेर टागेल्सपिगेला है जर्मनी का। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। गोल्डन गर्ल पुस्तक के लेखक कौन है? गोल्डन गर्ल पुस्तक का लेखक आपको हो जाएगा BPT उषा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। साइबर लॉ के शब्दावली में डॉस का अर्थ क्या है? तो साइबर लॉ की शब्दावली में डॉस का अर्थ आपको हो गया डिजाइन डिनाइल ऑफ सर्विस। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7। जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का शिशु लिंगानुपात सबसे अधिक है? जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात हो गया आपको अरुणाचल प्रदेश का, डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। ब्रिट भारत सरकार निम्नलिखित में से किस एक के साथ कार्यरत है? इसका आंसर आपको हो जाएगा समस्थानिक प्रौद्योगिकी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। भारत और पाकिस्तान परमाणु प्रतिष्ठानों पर हमले रोकने संबंधी 10 वर्ष पुराने समझौते के तहत एक दूसरे के परमाणु प्रतिष्ठानों की सूची का आदान प्रदान प्रत्येक वर्ष किस तिथि को किया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1 जनवरी को। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित सूचना पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड को उस प्रसिद्ध हॉलीवुड अभिनेत्री की पहचान कीजिए जो उनके धर्मस उद्देश्य खासकर एड्स विरोधी अभियान के लिए याद की जाती है। उसने 50 से अधिक फिल्मों में काम किया और 3 ऑस्कर जीते हैं, जिनमें एक बटरफील्ड 8 में उसके अभियान के लिए और दूसरा हु इज अफ्रेड वर्जीनिया वुल्फ के लिए था। यह लंदन में जन्मी अभिनेत्री 12 वर्ष की आयु में स्टार बनी, 18 वर्ष की आयु में दुल्हन हुई तथा तलाकशुदा हो गई, 19 वर्ष की आयु में वो रजत पटल की देवी बन गई और 26 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा एलिजाबेथ टेलर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। पहले कॉमनवेल्थ गेम्स कब हुआ? तो आपको हो जाएगा 1930 हैमिल्टन में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित हैं? भगवान शिव की प्रतिष्ठा में
कितने ज्योतिर्लिंग? इसका आंसर आपको हो जाएगा 12। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य है? इसका आंसर आपको हो जाएगा, विश्व की सबसे बड़ी रेल सुरंग शिकाटन टनल जापान में है, विश्व की सबसे छोटी सीमा वाला देश जिब्राल्टर है, दक्षिण चीन सागर विश्व का द्वितीय सबसे बड़ा सागर है। इसका आंसर आपको हो जाएगा केवल सेकेंड आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट देखेंगे, केंद्रीय गृह मंत्री के पद पर रहते हुए भारत रत्न पुरस्कार पाने वाला एकमात्र नेता, तो गृह मंत्री पद पर रहते हुए पाने वाला भारत रत्न कौन सा है? इसका आंसर आपको हो जाएगा गोली गोविंद वल्लभ पंत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। बेटर टू रिजिन इन हॉल हेल देन सर्व इन हेवन, ये शब्द किसने कहे थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा मिल्टन साहब डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16। बैडमिंटन के खेल में निम्नलिखित में से कौन सा एक हार्ड हिट ओवर हेड शॉट है, जिसमें शटल को प्रतियोगी के पाले में तेजी से नीचे की ओर हिट किया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा स्मैश ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17। अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री डॉट डॉट वजन महसूस करते हैं, अंतरिक्ष यान के अंदर अंतरिक्ष यात्री क्या महसूस करते हैं? अपना शून्य वजन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18। भारतीय लेखिका अदिति खुराना की किताब का नाम बताइए जो कि भारतीय लोक कथाओं का पुनर्कथन है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर आपको हो जाएगा द लाइब्रेरी ऑफ फैट्स डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग कब की गई? तो पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र की सार्वजनिक स्क्रीनिंग आपको हो जाएगा 21 अप्रैल 1913 को। ब्रिक्स में अक्षर बी किस देश को प्रदर्शित करता है? तो ब्रिक्स में अक्षर बी ब्राजील सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर आपको 87। क्वेश्चन नंबर 1। निम्नलिखित में से किसे प्रथम गांधी शांति पुरस्कार दिया गया? तो गांधी शांति पुरस्कार, इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर जूलियस के नेनरे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित क्रिकेट के मैदानों और शहरों का मिलान कीजिए? इसका आंसर आपको हो जाएगा द वंडरर्स। इसका आंसर आपको हो जाएगा जोहान्सबर्ग, उसके बाद सेंट जॉर्जेस पार्क, ये हो जाएगा आपको बुलाबेये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, नेक्स्ट किंग्स मीड, इसका आंसर आपको हो जाएगा, सॉरी इसका आंसर आपको सेकेंड और इसका हो जाएगा फर्स्ट, क्वींस ग्राउंड पोर्ट एलिजाबेथ मतलब बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3। दस कुमार चरित्र किसने लिखी थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा दांडी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। FOV का पूर्ण अर्थ क्या है? तो FOV का हो जाएगा फ्री ऑन बोर्ड ए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 5। जनगणना 2011 के अनुसार भारत में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष कितना है? इसका आंसर आपको हो जाएगा 919 बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। भारत का केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान आपको हो जाएगा लखनऊ में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। भारत का पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर कौन है? पहला स्वदेशी सुपर कंप्यूटर आपका परम 8000 है। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8। कौन सा वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है जिसने शांति के लिए नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया? वैज्ञानिक खाद्य अनाज क्रांति से संबंधित है, ये आपका हो जाएगा डॉक्टर NE बोरलॉग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9। ले ऑफ शॉट शब्द निम्नलिखित में से किस खेल से जुड़ी हुई है? ले ऑफ शॉट आपको हो जाएगा बास्केटबॉल से सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। किस क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य को पुलित्जर पुरस्कार के लिए मान्यता दी जाती है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा साहित्य और पत्रकारिता। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। भारत के निम्न प्रधानमंत्रियों में से पाकिस्तान का सर्वोच्च सिविल पुरस्कार निशान है पाकिस्तान किसे मिला? इसका आंसर आपको हो जाएगा मुरारजी देसाई। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। ओलंपिक खेलों में किस खेल के लिए बेल वार्कर कप प्रदान किया जाता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा मुक्केबाजी बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित में से वह नदी कौन सा है जिसका उद्गम भारतीय राज्य क्षेत्र में नहीं है? इसका आंसर आपको हो जाएगा घाघरा डी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14। रहस्यवाद सिद्धांत का संबंध किस धर्म से है? रहस्यवाद जैन धर्म में से है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित अनुवांशिक रोगों में कौन यौन संबंधित है? इसका आंसर हो जाएगा हीमोफीलिया ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के लिए भारतीय क्रिकेट टीम के पहले कप्तान कौन थे? तो वनडे का पहले कप्तान आपको कौन थे? अजीत वाडेकर ए। 17। डॉटर दुनिया का पहला कृत्रिम उपग्रह था? स्पुतनिक फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 18। साहित्य के क्षेत्र में उत्कृष्टता के लिए निम्नलिखित में से इसका आंसर आपको हो जाएगा सी।
नवलेखन पुरस्कार। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, मोबाइल फोन का उपयोग करके धन स्थानांतरण करने वाली प्रक्रिया को कहा जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, IMPS। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20, कामरूप का प्राचीन साम्राज्य राज्य किस राज्य में मौजूद था। इसका आंसर आपको हो जाएगा असम सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सॉरी सेट नंबर 88 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, प्रसार भारती की स्थापना कब हुई। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 1997 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकेंड, निम्न निम्न में से कौन सा एक कथन असत्य है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा कोई नहीं। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, सुमेलित कीजिए। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, TIFR, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक सॉरी ये इसका आंसर आपको हो जाएगा, तीन का आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फोर, बराक हुसैन ओबामा निम्न राजनीतिक दलों में से किसके साथ संबंधित थे। इसका आंसर आपको हो जाएगा डेमोक्रेटिक। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव, इकबाल सम्मान कौन प्रदान करता है। इकबाल सम्मान आपको हो जाएगा MP गवर्नमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर सिक्स, निम्न युगों में से कौन सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा साव जर्मनी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेवन, निम्न में से कौन सा विश्व विरासत स्थल के रूप में शामिल नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा चेन्नई सेंट्रल स्टेशन। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7-8, भारत में 9 तटीय राज्य है किंतु आधे से अधिक समुद्री नमक गुजरात के तट पर बनाया जाता है, क्योंकि कम वर्षा और अपेक्षित आर्द्रता समुद्री जल के वाष्पन द्वारा नमक के उत्पादन के लिए आदर्श है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बज एड्रिन अमेरिकी मैकेनिकल इंजीनियर व अंतरिक्ष यात्री थे। सेकेंड आपका हो गया चांद पर पैर रखने वाले बज एड्रिलिन दूसरे व्यक्ति थे, जबकि प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग थे। इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, दोनों। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10, इनमें से कौन कंप्यूटर का एक रजिस्टर नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा बफर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा 2001 बागेश्वर में भूमिगत परमाणु परीक्षण। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन गार्डन प्रोविंस ऑफ साउथ अफ्रीका कहा जाता है। इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, नेटाल प्रांत। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से वह देश कौन सा है जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नज़दीक है। तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के सबसे नज़दीक का देश आपको हो जाएगा बी, म्यांमार। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, इन्फ्लुएंजा रोग होता है किससे। इन्फ्लुएंजा होता है आपको विषाणु से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15, व्यापक परीक्षण निषेध संधि CTBT निम्न में से किस पर निषेध से संबंधित है। इसका आंसर आपको हो जाएगा शस्त्रागार के विकास के लिए नाभिकीय परीक्षण पर निषेध, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, उत्तर कोरिया की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी। इसका आंसर आपको होगा किंग जोंग इल बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध किस वर्ष हुआ था। तो 1971 से पहले भारत पाकिस्तान युद्ध आपको कब हुआ था, 1965 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, मल्टीटास्किंग प्रणाली विशेष रूप से किसे संदर्भित करती है। इसका आंसर आपको हो जाएगा एक से अधिक प्रक्रिया को मल्टीटास्किंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से किस आंदोलन ने गोवा में पुर्तगाली राज को समाप्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो कौन सा आंदोलन था ये, आपको हो जाएगा गोवा मुक्ति आंदोलन ए। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान का सबसे बड़ा शहर कौन सा है। राजस्थान का सबसे बड़ा शहर जयपुर, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे सेट नंबर 89, निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्षेपास्त्र स्थल से वायु वाला प्रक्षेपास्त्र है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा आकाश, स्थल से वायु वाला। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर सेकेंड, 1955 में स्थापित नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट स्थित है। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट कहाँ पर है, आपको ये हो जाएगा दिल्ली में बी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर थर्ड, एक पदार्थ पर गुरुत्वाकर्षण के कारण लगने वाला त्वरण निम्न में से किस पर निर्भर करता है। इसका आंसर हो जाएगा आपको द्रव्यमान सी पर। नेक्स्ट, गांधी द ईयर
दैट चेंज द वर्ल्ड पुस्तक के लेखक कौन है? इसका आंसर आपको हो जाएगा रामचंद्र गुहा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, सम्मिलित कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, बार का हो जाएगा भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इसके बाद IGCR का हो जाएगा इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च। नेक्स्ट हो जाएगा आपको कैट, कैट का हो जाएगा सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी, और VCEC का वेरिएबल एनर्जी साइक्लोट्रॉन सेंटर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, विश्व बैंक के रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन इन 4 राज्यों में से निवास करती है, कौन हो जाएगा इसका? बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और ओडिशा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, ALU CPU AI नामक उपकरण के शब्दों का संबंध है। इसका आंसर आपको हो जाएगा ए, कंप्यूटर से। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 8, संसार में सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री किस देश की थी? संसार में, पूरे दुनिया में पहली महिला प्रधानमंत्री तो श्रीलंका में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 9, रूस की एजेंसी रॉस कॉस्मॉस और यूरोपीय स्पेस एजेंसी किस ग्रह पर अनुसंधान के लिए एक जो मार्स प्रोजेक्ट चलाएगी? इसका आंसर आपको हो जाएगा मंगल। नेक्स्ट देखेंगे, निम्न में से कौन संक्रामक बीमारी नहीं है? इसका आंसर आपको हो जाएगा एड्स। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11, भारत के निम्नलिखित भूतपूर्व प्रधानमंत्रियों में से किन्हें भारत रत्न पुरस्कार मिला है? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी, सभी का सभी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सी एक रेलवे जर्मनी, फ्रांस, ऑस्ट्रेलिया, हंगरी और रोमानिया से होकर गुजरती है? तो कौन सा रेलवे? तो इसका आंसर आपको हो जाएगा ओरिएंट एक्सप्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ किया गया? इसका आंसर आपको हो जाएगा हिमाचल प्रदेश द्वारा, सी। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 14, उस खिलाड़ी का नाम बताएं जिसने एक दिवसीय क्रिकेट में अधिकतम शतक बनाए हों? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सचिन तेंदुलकर। विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध है कौन सा शहर है? विंडी सिटी के नाम से प्रसिद्ध, इसका आंसर हो जाएगा आपको शिकागो। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 16, कर्नाटक के शिवमोगा जिले का कौन सा गांव रोजमर्रा की बातचीत में संस्कृत का उपयोग करता है? कर्नाटक के शिवमोगा गांव, ये आपको हो जाएगा मत्तूर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 17, किस भारत पाक युद्ध के बाद ताशकंद घोषणा हुई थी? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1965 में। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किसे भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा माना जाता है? तो ये आपका हो जाएगा डी, रेड क्लिफ रेखा। नेक्स्ट देखेंगे, प्यारी मोहन महापात्रा किस भारतीय राज्य के राजनीतिक नेता थे? इसका आंसर आपको हो जाएगा ओडिशा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? तो नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार। नेक्स्ट देखेंगे सेट नंबर 90 के क्वेश्चन नंबर 1, लता मंगेशकर सम्मान किस राज्य द्वारा आरंभ किया गया था? तो लता मंगेशकर सम्मान MP गवर्नमेंट के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित में से कौन सा एक पर्सनल कंप्यूटर में कंप्यूटिंग करता है? इसका आंसर आपको हो जाएगा CPU। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3, सुमेलित कीजिए। इसका आंसर आपको हो जाएगा डी, पन्नालाल घोष, शहनाई, इसके बाद पालघर रघु, बांसुरी, इसके लतीफ़ खान, तबला और एस बालचंद्रन वीणा। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4, कंप्यूटर एक सरल सिद्धांत का अनुकरण करता है जिसका अर्थ है कूड़ा अंदर कूड़ा बाहर। नेक्स्ट देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित में से किन दो भारतीयों को भौतिकी के क्षेत्र में उल्लेखनीय कार्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है? इसका आंसर आपको हो जाएगा डॉक्टर सीवी रमन और सुब्रमण्यम चंद्रशेखर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, मिनी माता रोग का कारण है? तो मरकरी से होता है, पारा से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7, विश्व में खाद की गुणवत्ता वाहन तथा उपलब्धता में वृद्धि को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस एक के द्वारा खाद पुरस्कार की स्थापना किया गया? इसका आंसर आपको हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भारतीय सुरक्षा के संदर्भ में ध्रुव क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ध्रुव एक उन्नत हल्का हेलीकॉप्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारत पाकिस्तान के बीच प्रथम बार युद्ध कब हुआ था भारत पाकिस्तान के बीच? इसका आंसर आपको हो जाएगा 1947 से 48 के बीच। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर
10 भारत के सर्वोच्च पुरस्कार का नाम जो एक असैनिक नागरिक को दिया जाता है, इसका आंसर आपको हो जाएगा भारत रत्न। ए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। चीन ने मानव रहित अंतरिक्ष यान को सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में प्रक्षेपित किया, इस अंतरिक्ष यान का नाम क्या है, इसका नाम क्या हो जाएगा आपको, शेंझाओ 8। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, इसका आंसर हो जाएगा 7 अप्रैल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 13। सबसे अधिक ऊंचाई 44 से 41 मीटर किस एयरपोर्ट की है, सबसे अधिक ऊंचाई किस एयरपोर्ट की है, इसका आपको हो जाएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। दक्षिण सूडान की राजधानी है, दक्षिण सूडान की राजधानी कहाँ हो जाए आपका, आपको हो जाएगा जुबा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रीय उद्यान अभयारण्य राजस्थान में नहीं है, इसका आंसर आपको हो जाएगा राजा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस नेता ने ऑर्थोडॉक्स क्रिश्चियनिटी को रूस के आधिकारिक धर्म के रूप में अपनाया है, इसका आंसर आपको हो जाएगा ये व्लादिमीर द ग्रेट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17। मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली दुनिया की पहली महिला कौन थी, दुनिया की पहली महिला मेडिकल स्कूल से स्नातक करने वाली एलिजाबेथ ब्लैकवेल। नेक्स्ट देखें क्वेश्चन नंबर 18। विश्व धरोहर स्थलों के संबंध में विषम का पता लगाएं, तो इसका आंसर आपको क्या हो जाएगा, राष्ट्रपति भवन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें क्वेश्चन नंबर 19। भारत का पहला विश्व विद्यास भवन निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थापित किया जाएगा, इसका आंसर आपको हो जाएगा सी, महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 20। एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा दौड़ में स्थित है, एसआर स्टील लिमिटेड हजीरा कहाँ है, इसका आंसर आपको हो जाएगा गुजरात।